पंडित जवाहरलाल नेहरू की वैश्विक दृष्टि और विरासत कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए विश्वभर के नेताओं के बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि पंडित नेहरू का सिद्धांत धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकारों को हर कीमत पर बचाए रखने का था। उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू का लक्ष्य महज भारत की आज़ादी नहीं बल्कि उस स्वतंत्रता को हासिल करना था जिसमें हर नागरिक आज़ादी की भावना को महसूस कर सके। Wealth shouts, but knowledge whispers. That whisper of knowledge about Nehru's life and work has weakened in recent years in our country, drowned out by misrepresentation and distortion. पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी नीति और विचार के कारण भारत के ही नहीं बल्कि वैश्विक परिदृश्य में भी एक चमकते सितारे थे। यही वजह थी कि वैश्विक राजनीति में नेहरू अलग स्थान रखते थे। इस मौके पर मौजूद अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई सहित कई नेताओं ने विश्व की राजनीति के लिहाज से नेहरू के दृष्टिकोण को याद किया। लिंकिंग फ्री इंडिया टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन फुल लाइट ऑफ इंडियाज सिविलाइजेशन एंड कल्चर एंड हेरिटेज एंड द ब्यूटी दैट इट प्रेजेंट्स। पंडित नेहरू हैज बीन सेकेंड ओनली यू नो ऑल हूम महात्मा गांधी। नेहरू की विरासत को समझने के मकसद से ये सम्मेलन जितना अहम था राजनीतिक कारणों से ये उतना ही विवादित भी रहा। इस सम्मेलन में सभी गैर एनडीए दलों को आमंत्रित किया गया था। ये कार्यक्रम नेहरू के विचारों का है। ये कार्यक्रम है जो नेहरू के विचारों में जिन्होंने यकीन किया और जो यकीन रखते हैं। भाजपा ने कांग्रेस के इस रवैये की आलोचना करते हुए कहा है कि नेहरू किसी परिवार की धरोहर नहीं है। मैं कहता हूँ महापुरुषों और खास तौर पर देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने आजादी की लड़ाई भी लड़ी है तो वो किसी परिवार की जागीर नहीं हो सकते, राष्ट्र की विरासत है। सूचना प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने बयान जारी करते हुए कहा है कि सम्मेलन में शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा बनने ऐसे लोग शामिल हुए हैं जिन्होंने पंडित जी की राजनीति का जीवन भर विरोध किया और खुद नेहरू जी उनकी राजनीति के विरोधी रहे। नेहरू की विरासत इतनी महान थी कि उसकी एक एक बूंद किसी लोकतांत्रिक देश के लिए अमृत समान है। इसमें एकता है, समानता है, भाईचारा है, धर्मनिरपेक्षता है। अगर इन सभी को लेकर कोई देश आगे बढ़े तो उसको विश्वगुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर इसे संकीर्णता के दायरे में बांधा जाए तो किसी देश के लिए ये दुर्भाग्य से कम नहीं है। ये नेताओं की बात है लेकिन हम सभी को ये सोचना होगा कि नेहरू की विरासत को संकीर्णता से बाहर निकाला जाए। कैमरामैन गोपाल के साथ अजय विक्रम सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली।